और अब चलिए शुरुआत करते हैं गूंज की। आज हर गली हर मोहल्ले में एक ही सवाल गूंज रहा है, ये क्या हो गया है कांग्रेस को? क्यों कांग्रेस के नेता एक एक कर पार्टी को जय राम जी की कहकर निकल रहे हैं? क्या ये पुराने सारे सिपाही ऐसे नाजुक वक्त में, ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर यूं ही कांग्रेस को अलविदा कह गए? और अगर हां तो क्यों? बीजेपी का नारा क्या है बताइए, अब की बार 400 बार? यही बीजेपी और इसके नेता आप कांग्रेस पर तंज क्या कर रहे हैं कि अब की बार बस रह जाएंगे दो चार? कहने को तो ये तंज हो सकता है, बहुत गौर से सुनिएगा, लेकिन इसमें कड़वी हकीकत भी तो दिख रही है ना। रोहन गुप्ता, गौरव बल्लभ बात कीजिए, विजेंद्र सिंह और संजय निरुपम, ये चार नाम आपके सामने है कांग्रेस में तू चल मैं आया वाली। रोहन गुप्ता, गौरव बल्लभ, विजेंद्र सिंह, संजय निरुपम, इन चेहरों को ध्यान से देखिए आप, मुखर रहे हैं अपनी पार्टी की बात रखने में, टीवी डिबेट्स हो या फिर सोशल मीडिया। कांग्रेस के कट्टर समर्थकों में से एक रहे हैं ये चारों। आज ये सभी कांग्रेस का बचाव नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। क्यों? कांग्रेस की इसी दूरदर्शा पर, हमारी यानी मीडिया की दूरदृष्टि को हर बार कटघरे में खड़ा किया गया था, तरह तरह के आरोपों की बौछार की गई थी। जब यह सवाल पूछा गया था कि कांग्रेस में कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ को तो बॉयकॉट कर दिया गया था, याद कीजिए। उनमें से एक अदनी सी एंकर पत्रकार मैं भी हूं, लेकिन इन सारे सवालों को उठाकर बॉयकॉट कर देने से क्या कांग्रेस की ताकत बढ़ी क्या उल्टा घटी? सवाल पूछने वालों को कटघरा में खड़ा करने से, हमें बॉयकॉट करने से क्या पार्टी की हालत बेहतर हो गई? अगर देश का मीडिया माहौल बना रहा है जैसा कि हर बार आरोप लगाया जाता है, तो फिर इन नेताओं को तो और मजबूती के साथ पार्टी का साथ देना चाहिए था। लेकिन बीते 10 साल में सिर्फ बड़े नेताओं की मैं बात करूं तो करीब 38 नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके, 38 नेता, और ये छोटे मोटे नाम नहीं है, अच्छे खासे जनाधार वाले नेता हैं। ये कांग्रेस बड़ा पेड़ देखिए, ये सारे बड़े नेता एक एक करके कैसे कांग्रेस में पतझड़ का मौसम ला चुके हैं। मतलब जिस विचारधारा के लिए, जिस पार्टी के लिए, जिस परिवार के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप उसे रातों रात छोड़ दे रहे हैं, कैसे हो सकता है और क्यों हो रहा है? जो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, यानी जो बीजेपी को नापसंद करते हैं, जो कांग्रेस को पसंद करते हैं, ये एक्सक्यूज दे सकते हैं, और मैं बहुत सोच समझ के एक्सक्यूज शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं कि 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, सत्ता के लालच में ये तमाम लोग जो आपको नजर आ रहे हैं वो पार्टी का साथ दे रहे हैं, और अगर नहीं तो फिर इनको डर है। किस बात का डर है? ईडी का, सीबीआई का, आईटी का। बीजेपी के पास ताकत है। अच्छा ठीक है, एक बार के लिए इस बात को मान लेते हैं, तो फिर 70 साल में 2 सीटों वाली पार्टी को तो सत्ता के केंद्र में कभी आना ही नहीं चाहिए था ना, ये तो संभव ही नहीं होना चाहिए था। कितने नाम आपको याद आते हैं उस वक्त के जो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे? मैं आपको वक्त देती हूं, कुछ नाम गिना भी देती हूं। क्या नाम याद आ रहा है? शंकर सिंह बाघेला नाम याद आ रहा है आपको? शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, यशवंत सिन्हा, जगदीश शेट्टार, कुछ और नाम है जिन्हें मैं उंगलियों पर गिन सकती हूं, और ये सब बीजेपी से निकले जरूर, लेकिन कांग्रेस में कितने गए ये बताइए आप मुझे। और फिर कह रही हूं मैं किसी पार्टी का पक्ष लेने के लिए यहां पर नहीं बैठी हूं। इस देश की 2 बड़ी पार्टियां हैं और दोनों में कंपैरिजन नहीं करूंगी, तुलना नहीं करूंगी तो क्या होगा, कैसे चलेगा बताइए? इन्हीं दोनों में कंपैरिजन होगा ना। 70 साल बीजेपी अपना संगठन मजबूत करती रही, हां कि ना आप बता दीजिए, सत्ता से लगभग बाहर रहते हुए ये काम करती रही, हां कि ना ये बता दीजिए। कांग्रेस को तो 10 ही साल हुए हैं ना सत्ता से बाहर गए, सबसे पुरानी पार्टी, सबसे पुराना संगठन सेवा दल कहां है आज? सिवाय कांग्रेस के स्थापना दिवस पर झंडा फहराने के अलावा आपको कब दिखाई देता है ये सेवा दल? आप फिर ये आरोप लगा सकते हैं कि आजकल जमीन पर जो है बहुत ऐसे लोग घूम रहे हैं जिनको पार्टियां खरीद लेती है, जिनको बीजेपी ने खरीद लिया है। अरे आप मुझे इन सवालों का जवाब दे दीजिए ना, खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं वो बाद में कीजिएगा,
और आजकल तो जमीन पर कम सोशल मीडिया पर एसी रूम में बैठकर लड़ाई लड़ने वाले खूब हैं, जो कहेंगे कि बीजेपी ने हालात खराब कर दिए हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। तो भाई अगर डराते हैं धमकाते हैं तो इस लिहाज से सबसे खराब हालात तो आपातकाल में थे ना। क्यों नहीं सारे के सारे विपक्षी नेता कांग्रेस में तब शामिल हो गए? कांग्रेस की एक उंगली जमाने भर की तरफ आज हो सकती है, जमाने भर की तरफ, के बिके हुए हैं, गोदी मीडिया है, ईडी सीबीआई जो है वो इनके इशारों पर काम कर रही है। ये कांग्रेस की एक उंगली जमाने भर की तरफ हो सकती है, लेकिन तीन उंगलियां इशारा कर रही है कि अब गिरेबा में झांकने की जरूरत आ गई है। लोकतंत्र में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, लेकिन आप अपने ही नेताओं की अगर नहीं सुनेंगे, जमीन पर मौजूद जनता की नब्ज नहीं छुएंगे, तो कैसे लोकतंत्र आप मजबूत कर पाएंगे? आज गूंज में सबसे बड़े सवाल क्या है? पहला सवाल तो यही है कि कांग्रेस का नेतृत्व अपने नेताओं को क्यों नहीं संभाल पा रहा है, क्यों? दूसरा सवाल, कांग्रेस आला कमान में गुटबाजी टूट की वजह नहीं है क्या? और तीसरा सवाल, बीजेपी को कांग्रेस नेताओं की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज मैं डिबेट की शुरुआत में ही आपको बता देना चाहती हूं कि यहां पर तर्क होगा, कुतर्क नहीं, फैक्ट्स पर चर्चा होगी। हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले आपसे ये सवाल, बढ़ चढ़कर ट्विटर पर जरूर इस सवाल का जवाब देना, अपनी राय देना जरूरी समझिएगा। बड़े चेहरे क्यों छोड़ रहे हैं कांग्रेस का साथ, आपको क्या लग रहा है? कमजोर लीडरशिप, लालच, या कह नहीं सकते? सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर तारुफ करवा देना चाहती हूं। आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये चार चेहरे आपके सामने नजर आ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के कद्दावर सिपाहियों में से एक थे। कल्कि धाम की आजकल संरचना पूरे जोरों शोरों से चल रही है, अभी कुछ दिन वो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्कि धाम पहुंचे थे, और कांग्रेस का दामन साथ छोड़ चुके हैं। एके वाजपेयी साहब इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और हमारे साथ तस्लीम रहमानी साहब भी है, और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन चूंकि मेरा वादा था आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से शुरुआत के कुछ मिनट में बात करूंगी, उन्होंने इस बात की इजाजत दी थी। आचार्य जी, मुझे आपका एक ट्वीट याद आ रहा है, शार्प वाला ट्वीट, और मैं मजाक नहीं कर रही हूं, वो आज सच साबित हो रहा है। एक एक करके तमाम बड़े लीडर्स, आप हो, गौरव वल्लभ हो, संजय निरुपम हो, ये तमाम टाटा बाय बाय कह रहे हैं कांग्रेस को, क्या वजह है? रूबिका जी, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के उसूलों पे चलती थी, जिसका नारा होता था वंदे मातरम, जिसका नारा होता था भारत माता की जय, जिसकी सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, जिस राम राज्य का सपना किसने देखा सबसे पहले? महात्मा गांधी। तो जो कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती थी, वो कांग्रेस आज भारत के टुकड़े करने वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाला नारा देने वाले रास्ते पे अगर जाएगी, तो फिर कौन देशभक्त या कौन राष्ट्र प्रेमी होगा जो कांग्रेस में रह पाएगा? दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े सेक्युलर नेता अगर पूरे इतिहास में देखें तो महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी से बड़ा सेक्युलर नेता मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में भी कोई हुआ होगा। महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम। वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, वो आज राम के नाम से नफरत करती है, राम के नाम से चिढ़ती है, राम राज नामक शब्द से चिढ़ती है। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आज तक अयोध्या नहीं गया। जो कांग्रेस सर्वधर्म संभाव की बात करती थी, वो कांग्रेस सनातन विरोधी हो गई। तो उसका परिणाम ये है, आचार्य जी, कि धीरे धीरे करके लोग जा रहे हैं। नहीं, लेकिन इसका कोई हल तो होगा ना, इसका कोई तो सलूशन होगा ना।
अब जो नेता छोड़ के जा रहे हैं आपको वो लोग मोदी भक्त कह देंगे, अंधभक्त कह देंगे, आपका जमीर बिक चुका है ये कह देंगे, तमाम तरीके के आरोप लगाए जाएंगे। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? पार्टी को छोड़ रहे हैं आप, इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या राहुल गांधी है। कांग्रेस का जो प्रॉब्लम है वो क्यों है ये देखना पड़ेगा। एक कोटरी है, सनातन विरोधियों का एक गैंग है जो कांग्रेस को चला रहा है, उसमें ज्यादातर लोग वामपंथी सोच के हैं। उन्होंने राहुल गांधी के इर्द गिर्द ऐसा जाल बिछाया है कि वो राहुल गांधी उससे बाहर सोच नहीं पाते हैं, और जब तक राहुल गांधी है इस कोटरी को कोई नहीं हटा सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि राहुल गांधी को कोई हटा नहीं सकता, और जब तक राहुल गांधी है कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता। कांग्रेस की एकमात्र नैसर्गिक प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम, नेचुरल प्रॉब्लम राहुल गांधी है। और ये इसलिए नहीं कह रहा मैं कि मुझे कोई राहुल गांधी से मेरा कोई दुश्मनी है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब से कांग्रेस के फैसले राहुल गांधी जी ने लेने शुरू किए हैं पिछले लगभग 12-13 सालों से, तब से ही कांग्रेस का बंटाधार होना शुरू हुआ। मैं इसी पॉइंट पर डिबेट शुरू कर रही हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी बात आचार्य प्रमोद कृष्णम ये कह रहे हैं कि एक सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। इनफैक्ट तहसीन पुनावाला भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस का खुलकर पक्ष रखने वाले नेताओं में से एक या राजनीतिक विश्लेषकों में से एक, और सुधांशु त्रिवेदी जी भी आपको नजर आ रहे हैं। तहसीन, मैं शुरुआत में मौका आपको इसलिए दूंगी क्योंकि आप पक्ष रखते हैं पार्टी का, क्या आप भी मानते हैं कि एक्चुअली लीडरशिप सबसे बड़ी समस्या है? राहुल गांधी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, सुधांशु जी नहीं कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है, पार्टी का अभिन्न अंग रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम कह कर गए। थैंक यू रूबिका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, और मैं आचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूँ और कुछ बातों की उनसे इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन हर बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं मानता हूँ कि 2024 का जो आने वाला चुनाव है, लोकसभा चुनाव, ये कांग्रेस राहुल गांधी वर्सेस कांग्रेस नरेंद्र मोदी के चुनाव है। मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी को 400 सीटें पार हो गई, मतलब एनडीए अलायंस को, और भाजपा 370 के आगे जा रही, मान लीजिए, तो काहे जरूरत है यहाँ के जो आता है उनको उस टीम में ले ले। मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी कभी नहीं करता, रूबिका जी आप मुझे जानते हो, लेकिन जिन लोगों ने व्यक्तिगत तौर से जिन शब्दों का प्रयोग किया माननीय प्रधानमंत्री के लिए, उनको भी आप ले रहे हो, तो आपके पास आइडियोलॉजी बची कहाँ है? Okay. जिस पार्टी को, जिस संगठन को आप देशद्रोही कहते थे, अपीजमेंट करने वाली पार्टी कहते थे, टेररिस्ट के सपोर्टर्स कहते थे, आज उस पार्टी के मेन डिफेंडर्स को आप ले रहे हो। Okay. और कह रहे हैं हमने सुधार दिया, हमने सुधार दिया, सुधारा नहीं, कोई सुधार नहीं। 10 सेकंड और मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं दोबारा से कह रहा हूँ रूबिका जी, भाजपा ये चुनाव नहीं जीत रही है इसलिए घबराई हुई है, भाजपा एक्चुअली चुनाव हारने जा रही है। ओके, आप लेकिन कांग्रेस में समस्या है, इसको मैं एक्सेप्ट। नहीं नहीं, अरे भाई समस्या है तो फिर जिसको वोट देना होगा वो किसको वोट देगा? सुधांशु जी स्वागत है सर आपका, लेकिन तहसीन पुनावाला ने कुछ 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 वाजिब सवाल उठाए। आप लोग कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, पर आपने सारे के सारे कांग्रेसियों को बाहें खोल कर कहा आग गले लग जा। देखिए तहसीन जी ने जो बात कहने का प्रयास किया है वो ये कह रहे हैं कि हम किसी को ले रहे हैं। अरे भाई, आप तो हकीकत देखिए कि लोग आपको किस तरीके से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इस हकीकत को आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये आपके लिए समस्या है। अभी जो कुछ बोल रहे थे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, ये बात समझिए, जानते कहाँ से शुरू हुआ? 2014 की डिफीट के बाद कांग्रेस ने उसके विश्लेषण के लिए कमेटी बनाई थी, आपको याद होगा, एके एंटोनी कमेटी। और मैं क्यों कह रहा हूं, एके एंटोनी खुद माइनॉरिटी कमेटी से आते हैं और वो क्रिश्चियन है, और उन्होंने ये निष्कर्ष दिया था कि कांग्रेस की उस समय की करारी हार का कारण यह था कि वह एक समुदाय के पक्ष में अधिक नजर आए, साफ शब्दों में कहा जाए प्रो मुस्लिम इमेज बन गई। मगर 14 से 24 तक आते आते कोई कांग्रेस ने
इस बात का संज्ञान लेने का प्रयास नहीं किया। और अभी जो कुछ हमारे मित्र तहसीन युवा नेता हैं बोल रहे थे कि जो लोग गाली बकती थी जो पार्टी उसके रिप्रेजेंटेटिव को ले लिया, मुझे ध्यान ही नहीं आया, वो शायद आप उसके लिए बोल रहे थे क्या कि जो कांग्रेस सारी कांग्रेस चोर है बेईमान है और इन्होंने स्विस बैंक में पैसा रखा हुआ है और हम आएंगे तो जेल में डाल देंगे, ये कहा था आम आदमी पार्टी ने और आज उसके चरणों में चले गए। चलिए जब कहा था वो तो बात है, ये सिर्फ 3 महीने पहले की तो बात है। छत्तीसगढ़ में जाकर केजरीवाल ने कहा था कि भूपेश बघेल सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। अच्छा साहब आप ये तो कह देते कम से कम अब वो बयान अपना विड्रॉ कर लीजिए। और अजय माकन जी ने कहा था कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है शराब में और उन्हें जेल जाना चाहिए, कम से कम आप ही कह देते चलो हम वो अपना बयान वापस लेते हैं। समस्या ये, और आज जो संजय निरुपम ने बोला वो इंपॉर्टेंट बात है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो लीडरशिप की बात कही है, कांग्रेस में प्रॉब्लम जानते क्या है, लीडरशिप विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ये LW के चक्कर में आ गए, लेफ्ट विंग के चक्कर में आ गए, लीडरशिप विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। राहुल गांधी अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे और सारी सत्ता रखना चाहेंगे अपने आप, यात्रा निकालूंगा मैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा मैं पद नहीं रखूंगा। ओके सुधांशु जी, लेकिन इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए, आप भी तो सारे कांग्रेसियों को ले रहे हैं, इन्हीं के साथ तो आपकी लड़ाई थी, या आपकी लड़ाई कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं से नहीं थी, आपके उस परिवार से थी, उसके बाद जो भी कांग्रेस का आएगा आप ले लेंगे? देखिए मैं बताता हूं, जितने लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है एक ने भी कहा हो कि वो अपनी विचारधारा पे कायम है तो बताइए। चाहे आज गौरव बल्लभ ने बोला तो उन्होंने कहा मैं सनातन के विरुद्ध जो है वो गालियां देने वाला काम नहीं कर सकता। अभी प्रमोद कृष्णन जी क्या बोल के गए कि एंटी सनातन एंटी हिंदू हो गए थे। तो मैं तो कह रहा हूं वो अंदर कांग्रेस के लोगों को हकीकत देख के उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है, मगर कांग्रेस के लोगों के बुद्धि में कोई स्पंदन नहीं हो रहा है या बुद्धि में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये देखने की बात है। और जो आज संजय निरुपम ने कहा वो बहुत गंभीर बात कही है कि वहां 5-5 पावर सेंटर है, पूरा पंचनामा कर दिया उन्होंने। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही संजय निरुपम ने कि गांधीयन जो सेकुलरिज्म था वो धर्म विरोधी नहीं था, वो जो कुछ अभी आचार्य प्रमोद कृष्ण कह रहे सर्वपंथ संभाव था, और आज का इनका सेक्युलरिज्म हो गया है धर्म विरोधी, यानी वहां सर्व धर्म संभाव की भावना थी, अब हिंदू धर्म के प्रति दुर्भाव की भावना हो गई है। ये अंतर है, इसको कांग्रेसी समझने को तैयार नहीं है। को आज इसीलिए बुलाया गया है, आप जो बात कह रहे हैं ना इस बात को तहसीन में आपके पास आऊं उससे पहले तस्लीम जी आपने तो बकायदा ये एक मैसेज फॉरवर्ड किया है कि कांग्रेस में सफाई हो रही है और कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं, जबकि कांग्रेस को छोड़ने वाले तमाम लोग ये कह रहे हैं कि सनातन का आप विरोध करते रहेंगे, राम के विरोध और विपक्ष में खड़े रहेंगे तो आपके साथ कौन खड़ा रहेगा? तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक धर्म की बात हो और बाकियों के साथ जो है असम्मानजनक व्यवहार किया जाता रहे, शब्दों का इस्तेमाल किया जाता रहे तो अच्छे दिन आ जाएंगे कांग्रेस के? नहीं रूबिका जी, देखिए रूबिका जी, मैंने हमेशा एक बात कही है और उसको मेरी बात को बहुत बुरा माना जाता रहा है, लेकिन मैं उस स्टैंड पे कायम हूँ और वो रोज़ाना साबित हो रहा है। मैंने कहा कि कांग्रेस हिंदुत्व राजनीति की जननी है, हमेशा कहा है मैंने, अपने पहले दिन के कयाम से लेके अभी तक कांग्रेस हिंदुत्व को ही प्रमोट करती चली आई है। और इसलिए आप देखिए कि कांग्रेस अब राजनीति बदल गई है, अब हिंदुत्व की दावेदार इस देश में सबसे प्रबल ताकतवर और प्रिवलेंट दावेदार वो भारतीय जनता पार्टी है, ओपनली है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो अगर हिंदुत्व में इक्तदार में आने वाली पार्टी भाजपा है तो किसी भी पार्टी में जो हिंदुत्व धारक लोग हैं वो उनके लिए नेचुरल कोर्स में बीजेपी में जाना ही आसान होगा, इसलिए वो बीजेपी में जा रहे हैं। ये और ये आप देखिए प्रमोद कृष्णम जी ने बिल्कुल सही कहा, नहीं, कोई गलत बात नहीं, आपने आपने कहा सही कहा, नहीं नहीं आप लिख रहे हैं कांग्रेस इज पासिंग थ्रू अ क्लीनिंग अप एरा टू बी एन आइडियोलॉजिकल करेक्ट पॉलिटिकल। मैं वही आ रहा हूँ आपने, और लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, तो जो सेकुलरिज्म का दावा करते थे रूबिका जी, जो हिंदुत्व की जब तक हिंदुत्ववादी रहे और सेकुलरिज्म का चोला पहने रहे तो सब लोगों का समावेश उसमें रहा, और जब वो चोला उतरने लगा राहुल गांधी अकेले कांग्रेस में टारगेट क्यों है, इसलिए कि राहुल गांधी हिंदुत्व से खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ।
सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व में कोई चॉइस अगर किसी को दी जाए तो हार्ड हिंदुत्व ही चुनेगा ना, सॉफ्ट हिंदुत्व क्यों चुनेगा। इसलिए कांग्रेस बार बार हार रही। आप देखिए एक बहुत खास बात है और सुधांशु जी एग्री करेंगे, 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत से लेके आज तक कांग्रेस को कभी एब्सोल्यूट मेजोरिटी लोकसभा में हासिल नहीं हुई। जितनी सरकारें भी चली हैं माइनॉरिटी गवर्नमेंट चली है, और जितनी हिंदी बेल्ट है, हिंदी बेल्ट में जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं या परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो भी हिंदुत्व के बगैर चल नहीं रही है। हाँ। तो देश आगे बढ़ रहा है राइट विंग पॉलिटिक्स। तो आप कांग्रेस है क्या जाएगी? एक लाइन में आप मुझे जवाब दीजिए ना, आप सब वो लोग जो कह रहे हैं कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेंगे, कांग्रेस पर रह क्या जाएगी, क्या रह जाएगी? SDPI की चहेती रहे या न रहे, आज सवाल यही है कि देश में सेकुलरिज्म एज एन आइडियोलॉजी अगर बाकी रह सकता है। ये जंग आइडियोलॉजी की है, इंडिविजुअल की नहीं है। ये ना समझा जाए कि खाली टिकट सीकर से जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी जा रहे, बहुत आइडियोलॉजिकल बहुत क्लियर है। सेकुलरिज्म वर्सेस हिंदुत्व पॉलिटिक्स, ये सेक्युलरिज्म आ रहा है। सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि इफ्तार पार्टी में जालीदार टोपी तो पहनेंगे लेकिन जय श्री राम कहने से कतराएंगे, ये आपका सेक्युलरिज्म है। और आप चाहते हैं यही सेक्युलरिज्म वापस आ जाए, तभी जाकर मुझे नहीं मालूम ये तभी जाकर आप मानेंगे कि ये पार्टी मानता है। मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं मानता। सुधांशु त्रिवेदी जी एक बार आप अपना काउंटर दीजिए। मैं ये मानता हूँ कि धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। पूरी बात बस मैं रहमानी साहब ने जो बात कही बहुत सीरियस बात कही, तो मैं एक तो पहले इनका करेक्शन कर दूं। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरने के बाद से कांग्रेस को मेजोरिटी मिलना बंद हो गई, आपका स्टेटमेंट गलत है। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में फायरिंग करने के बाद कांग्रेस ने समर्थन किया, मेजोरिटी नहीं मिली। उससे पहले राम जन्मभूमि आंदोलन का 87 से 88 से 89 तक विरोध करने के बाद कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली। तो फैक्ट यह है कि राम मंदिर के विरोध में खड़े होने के बाद से कांग्रेस से मेजोरिटी छूटी। दूसरी आपने जो बात कही क्लीनिंग की बात, बहुत सही बात कही है। यही तो कहा मैंने भी, आजादी के समय माना जाता था कि कांग्रेस सर पूरी नहीं, आपने कहा था ढांचा गिरने के बाद, मैं बता रहा हूं मंदिर के विरोध करने के बाद से 89 से मेजोरिटी मिलनी बंद हो गई। ढांचा दिसंबर 1992 में गिरा, उसके बाद चुनाव 96 था, ये मैंने क्लियर किया। दूसरा आपको बात बताऊं, आपने बहुत सही बात कही, ये बात सही है, आजादी के समय कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी थी और मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी बन गई थी, मगर वही तो मुस्लिम लीग भी कहती थी क्लियर करो, देखिए मौलाना आजाद जैसा आलिम फाजिल मुसलमान अपना नेता नहीं मानते थे, जिन्ना जैसा व्यक्ति जो अरबी के 2 शब्द नहीं बोल सकता था, जो पैंट शर्ट हमेशा हैट लगाता था, पीता भी था, बीफ भी खाता था, शराब भी पीता था, मगर चंद कट्टरपंथी बातें बोल लेता था, तो मुसलमानों का सारा नेतृत्व कांग्रेस ने थाली में सजा के दे दिया। उसी ने कहा था मत खड़े हो गांधी नेहरू पटेल के पीछे, हमारे पीछे आओ अपनी पार्टी बनाओ। वही क्लीनिंग हो रही है। आज आपको आरिफ मोहम्मद खान जैसा आलिम नेता अच्छा नहीं लगता है, आज डॉक्टर APJ अबुल कलाम जैसा आलिम इस्लाम में जितना बड़ा साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ उसको राष्ट्रपति बनाना वो अच्छा नहीं लगता है आपको। बुरहान वानी और क्या कहते हैं अफजल गुरु और ये अच्छे लगते हैं, यही क्लीनिंग नहीं डिजास्टर हो रहा है, ये सफाई नहीं सफाई होने जा रही है। ये भली बात ही समझ लीजिए, ये आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। बिल्कुल मैं सच कह रहा हूं, आज जो कांग्रेस के बारे में धारणा थी आजादी के समय, आज बीजेपी उस स्थिति में आ गई है स्वतंत्रता आंदोलन के समय की कांग्रेस में, और कांग्रेस उस स्थिति में आ गई है जो मुस्लिम लीग खड़ी हो गया। ओके ओके, मैं सहमत हूँ रहमानी साहब। ऑल राइट रहमानी साहब, मैं चाहती हूँ 20 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए। नहीं अच्छा क्या आपने अनुराग जी 1 सेकंड, अच्छा क्या आपने करेक्ट कर दिया, मुझे मालूम था कि आप ये करेक्शन देंगे। 84 के बाद से नहीं, 89 के बाद से कभी नहीं आई कांग्रेस इक्तदार में, और यही बताता है कि हमने बार बार कहा बाबरी मस्जिद की शहादत सिर्फ एक मस्जिद की शहादत नहीं है, इस मुल्क के सेकुलर सोशलिस्ट फैब्रिक की शहादत है। ये बात मैंने कही है, आप मेरी वीडियोस उठा के देख सकते हैं। और क्या ये बात गलत है? आपने नरसिम्हा राव साहब को भारत रत्न किस उपलब्धि में दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? गांधी जी को आपने अडॉप्ट कर लिया राम राज्य की बुनियाद पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखिए पहली लाइन में महात्मा गांधी दिखाई देते हैं। तो ये सीधी बात है ना, मैं कह रहा हूं राइट विंग की तरफ जा रही है। मैं आज कांग्रेस को छोड़कर जा रहे नेताओं पर आज बात करने के लिए आई हूँ, कांग्रेस की परेशानियों पर बात करने के लिए आई हूँ। और तस्लीम साहब आपको मैंने इसीलिए बुलाया, कांग्रेस की परेशानी तो, राहुल गांधी है, इसलिए कि राहुल गांधी जो है राइट विंग पॉलिटिक्स को पूर्ण नहीं कर रहा है। यू हैव ऑल द राइट, यू हैव ऑल द राइट टू से व्हाट यू फील लाइक सेइंग सर, कोई आपको रोक नहीं रहा है, लेकिन बाबरी मस्जिद की शहादत आपसे बर्दाश्त नहीं होती है। प्रभु राम के मंदिर को जब गिराया गया उसके बारे में वो शहादत आपको याद नहीं करनी है,
उस शहादत के बारे में आप चर्चा भी नहीं करना चाहेंगे। उसको आज जब वापस लौट के कहा लिखा है ये, तो कहा लिखा है? मैं आपको प्रूफ कहा लिखा है? मैं आपको प्रूफ देखिए, राम मंदिर की शहादत हुई या नहीं हुई इसका कोई प्रूफ तारीख में मौजूद नहीं है। बस इतना जानती बेहतर है आपके लिए भी, इस देश के लिए भी और हर मुसलमान के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ। राम मंदिर की शहादत कब हुई या नहीं हुई इसका कोई प्रूफ नहीं है, मगर बाबरी मस्जिद की शहादत को सारी दुनिया ने छह दिसंबर तो प्रॉब्लम है ना, आपकी माने तो बढ़िया, आपकी ना माने तो आप लोग एजेंडाधारी हैं, आप लोग आइडियोलॉजिकल, आप लोग आपकी आइडियोलॉजी जो है वो जहन्नुम में जाए। मैं अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप रुकिए सर, मैं आ गया, मैं इस पर बहस कर लूंगी ना सर, अलग दिन रखते हैं इसके लिए। अनुराग भदौरिया जी, रूबिका जी, मुझे एक लाइन चाहिए, बहुत जरूरी है, कांग्रेस की बातचीत हो रही है, एक लाइन परसेप्शन एक क्लियर करना है। अब रूबिका जी, मैं उठने जा रहा हूँ, अगर यही सब करना है आपको तो फिर गलत बात है। नहीं रुक जाए, थोड़ी होता है, नहीं ऐसे नहीं होगा कि भाई आप 20 मिनट तक बैठाए रखेंगे उसके बाद बोलेंगे चले। अनुराग भाई एक ही मिनट, फिर आप ही बोल दीजिए, एक ही मिनट चाहता हूँ, करना है कह रहे नहीं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, जनरल यार ये आपके ही है, कोई बात नहीं, अनुराग भाई को बोलने दीजिए, मैं बाद में बोलूंगा, बोलने दीजिए। आप लोग डिसाइड कर चुके हैं, बोल लीजिए, बोल आप बोलो, मैं ये बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, कोई परेशानी नहीं। अनुराग जी प्लीज प्लीज बोलिए, आप बोलिए, आप डिबेट में बुलाते हैं, गठबंधन के साथ ही हैं आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा अनुराग जी, अपनी बात गठबंधन के साथ ही नहीं, थोड़ी आप बुला लीजिए, मैं पता नहीं कहां सवाल का भी टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूं, अपना जवाब दे दीजिए, कुछ नहीं ऐसे नहीं। हां तो यार मैंने बुलाने के बाद इस तरह का जो एजेंडा चलता है, देखिए अब क्या बोले, बोलने का मूड ही खत्म हो गया, आप बुलवा लीजिए पहले, बुलवा लीजिए, मूड पे थोड़ी बोलते हैं, आप कोई मूड पे लड़े जाते हैं क्या? अरे छोड़िए आप होइए होइए होइए, आप बुलवा लीजिए, आप बुलवा लीजिए, बुलवा लीजिए, बुलवा लीजिए, बुलवा लीजिए, आप इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, सारा का सारा यहां पर बात करनी है, तस्लीम रहमानी साहब आपकी बात कर रहे हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट बातें चल रही हूं मैं देख रहा हूं, एक हिंदू इंपॉर्टेंट बातें चल रही है, बाबरी मस्जिद कहां से आगे बात हो रही थी कांग्रेस के नेताओं को छोड़ने को और आप चले गए हिंदू मुस्लिम की बात पे, मैंने थोड़ी किया, तस्लीम रहमानी बोल रहे थे, इस पर चर्चा हो रही थी, अब बन गया आपका मूड, अब बन गया, आप बोलिए। अरे भैया एम वाई वालों का तो ध्यान कर लो, तहसीन पूना वाला और तस्लीम बोल रहे थे, उनकी तो बात को तस्लीम कर, अरे तहसीन हो गया हो गया, और अनुराग के साथ वापस आइए, बोलिए अब। अब मैं बोल लूं, सुधांशु जी, सुधांशु जी, एक मुझे पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है, अब तेरा क्या होगा साथिया, गौरव भल्लभ आ गए हैं, रोहन गुप्ता आ जाएंगे, संजय निरुपम आ जाएंगे, तो सुधांशु जी कहाँ जाएंगे, क्या होगा मेरे साथिया? सवाल तो ये है, जिनके लिए, जिनसे आप लड़ते थे, जिनसे दो दो हाथ करते थे, वो आपकी कुर्सी पे आके बैठ जाएंगे, फिर आप कहाँ जाएंगे? हमें चिंता आपकी हो रही है, और आप चिंता किसकी कर रहे हैं? आप चिंता कांग्रेस की कर रहे हैं, विपक्ष की कर रहे हैं, वही विपक्ष आपके साथ आ जा रहा है, आप कांग्रेस मुक्त करने चले थे, विपक्ष मुक्त करने चले थे, सारा तो भ्रष्टाचारी जिन पे आरोप लगाते थे वो भी आपके साथ आ गए, जो आपको क्या क्या नहीं बोलते थे वो भी आपके साथ आ गए, फिर आपकी आइडियोलॉजी कहां रह गई? मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी का सांसद छोड़ के क्यों आपके साथ चला गया, मैंने आपसे नहीं पूछा कि हरियाणा में बीरेंद्र सिंह क्यों आपका साथ छोड़ गया, राहुल कसाना सांसद आपका साथ क्यों छोड़ गया, जयंत सिन्हा क्यों नहीं लड़ रहे हैं, गौतम गंभीर ने क्यों मना किया, जसकौर मीना ने क्यों मना किया, मैंने तो नहीं पूछा आपसे, पवन सिंह ने क्यों चुनाव लड़ने से मना कर दिया टिकट मिलने के बाद, उपेंद्र रावत ने क्यों मना कर दिया बाराबंकी के बाद, मैंने पूछा आपसे क्या? मैंने तो ये भी नहीं पूछा हर्षवर्धन जी को आपने क्यों मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, मैं नहीं पूछता हूं क्यों, ये मुद्दा मेरा नहीं है, मेरा मुद्दा है कि आपने जनता के लिए क्या किया है, जो आपने वादे किए थे, आपने अच्छी बात बोली, स्विस बैंक की बात बोली, स्विस बैंक तो मुझे याद आ गया, यही पार्टी है ना जो कहती 100 दिन के अंदर में स्विस बैंक से काला धन ले आएंगे, और अपने ही देश की SBI से आप अपना इलेक्ट्रिक बॉन्ड का कितना चंदा मिला वो बताने में असमर्थ हो रहे थे, वो बैंक बताने को तैयार नहीं थी, तो धन्यवाद हमारे सर्वोच्च न्यायालय का जिन्होंने बता दिया किसको कितना इलेक्ट्रिक बॉन्ड मिला, और आप तो विदेश से लाने की बात कर रहे थे, ये आपकी हालत हो चुकी है, आपकी हालत वो हो गई है कि आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करोगे, आप ना तो चर्चा करोगे कि इस देश के अंदर में आप, हाँ अभी बोलोगे हम पांचवी इकोनॉमी बन गए लेकिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, हम तीसरी भी बन जाएंगे लेकिन यहाँ पे बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, फिर कहेंगे हम पांचवी बन गए लेकिन किसान अभी भी धरने पे बैठता है इस देश का, अभी भी किसान को MSP की गारंटी नहीं मिल रही है लेकिन आप बोलेंगे मैं पांचवी तीनवी पता नहीं कितनी इकोनॉमी बन गए लेकिन 5 किलो चावल 5 किलो आटा में आज भी आपने लाइन में ला रखा है, आज भी पर कैपिटल इनकम गिरती जा रही है लेकिन हम तीसरी पांचवी इकोनॉमी बनते चले जा रहे हैं, कमाल है भाई,
कौन सी इकोनॉमी, कहां की इकोनॉमी भाई, क्या हालत है देश के अंदर में? बेरोजगारी आईएलओ की रिपोर्ट आई है, 83% युवा बेरोजगार है, लेकिन हम तीसरी पांचवी इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप, किसको? ये देश की जनता जानती, इस पे आप चर्चा नहीं करना चाहते। आपको एक चीज याद है, ये बताइए विकास दर क्या है, ये बताइए आजकल बेरोजगारी दर क्या है, ये बताइए जीडीपी क्या है। यही तीन सवाल आप रट के आते हो। और 1947 में क्या हुआ था, 1950 में क्या हुआ था, 1970 में, 1980। सुधांशु जी इसके बाद आओगे, 10 साल से आपकी सरकार है, इसमें कभी बोलोगे कि नहीं बोलोगे कि हर चीज में बोलोगे? 1950, 1970, 1980, 1990 आपको जनता ने 2004 में वोट दिया था, आप आओगे तो उनको पैरों पे खड़ा करोगे, लाइन में नहीं लगाओगे? आज वो लाइन में लगा दिया आपने, ओके तो हमने उन्नति कर दी है देश की, इतनी उन्नति कर दी है कि 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया है। ये आपने देश के साथ किया है, सोचिए आप। इन लोग खराब मूड में इतना बढ़िया बोलते हो आप, मैं ऐसा ही करूंगी हर बार 19 मिनट बाद आपको बुलवाऊंगी। बढ़िया नहीं, मैं तो इनको खराब मूड में, इसे कहते हैं खराब मूड में बढ़िया भाषण दे। एक और अब आप रुक जाइए अनुराग जी, मैंने 5 मिनट एक को आदमी ऐसा लग रहा था लाल किले की प्राचीर से अनुराग भदौरिया इस वक्त देश की जनता को भाषण दे। एक सेकंड ज्यादा नहीं, एक सेकंड अब तेरा क्या होगा साथिया, ये भी बता देना। सुधांशु जी आज एक ही लाइन छे और ओके 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 तहसीन पुनावाला प्लीज 10 सेकंड। और एलजेपी से हमारे वाजपेयी जी भी बड़ा इंतजार कर रहे हैं, उनका मूड खराब हो गया फिर क्या करेंगे बताइए आप। हैं मुझे 10 सेकंड से कम चाहिए। हाँ बताइए। देखिए आपके शो में अनुराग भाई ने बिल्कुल सही कहा, उस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, हमें बताया गया था कांग्रेस का एक्सपीरियंस, लेकिन आपकी गलती नहीं है रूपिका जी, आई रिस्पेक्ट योर, यू नो दिस। ये तस्लीम साहब यहाँ आके बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद, ये वो, आप देखिए इस चीज़ को और परसेप्शन बना कांग्रेस कांग्रेस के खिलाफ परसेप्शन बना इंडिया अलायंस। मैं थोड़ा सा एक कांग्रेस ने ऑफिशियली कहा कि SDPA का हमें सपोर्ट नहीं चाहिए, ऑफिशियली कहा है ये बात कहीं नहीं आ रही। ये देखिए आखिर ये लोग जो है ना, ये प्लीज रूपिका जी मैं 10 सेकंड अपनी बात समाप्त करूंगा, ये भाजपा की मदद कर रहे हैं। सुधांशु जी का ये पिच हो गया, सुधांशु जी पे इस पिच पे आप जीत ही नहीं सकते हो, और सुधांशु ने इस पिच के ऊपर छक्के पे छक्के लगा दिए। ये देखिए ये कैसे हो रहा है, ये इसके खिलाफ अनुराग भाई आप हमारे साथ बात है मुसलमानों का, आपको मुसलमानों का सूरत देख के आपको पसीने छूट जाते हैं। ये हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं, खुद कह रहा हूं कि राहुल अनुराग बार में इसको एक्सपोज कर रहे हैं, हमको बात करनी है विकास बात कर रहे हैं। आप समझ में नहीं आ रहा, आप बाबरी मस्जिद के बुजुर्ग हैं, आपस में हमारी टीम नहीं है, ये काय हमारी टीम से खेल रहे हैं भाई, ये हमारी टीम नहीं है, खत्म हो गया। अब ये हमारी टीम नहीं है, राम मंदिर वहां बन चुका है, मत नहीं आप बड़े मुर्दे मत खाइए सर, मुल्क का पॉलिटिकल एक सेकंड वाजपेयी जी स्क्रीन पर लेकर आइए, नहीं है कोई मुद्दा नहीं है सर, कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है सर, अयोध्या का हर मुसलमान बड़ा खुश है, मैं इस मसले पर जा ही नहीं रही हूँ, मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, आप लोग भड़काइए भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तहसीन थैंक यू। वाजपेयी जी मैं चाहती हूँ कि इस पूरे मुद्दे पर वापस आया जाए, कांग्रेस का साथ छोड़ते हर एक चेहरे को आप जहन में रखिए, ये वो लोग हैं जो वो बड़ी कट्टरता के साथ, कट्टरता मतलब आजकल वो बड़ा पॉजिटिव वर्ड हो गया, कट्टरता के साथ कांग्रेस का झंडा बुलंद करते थे और आज कह रहे हैं ये इस पार्टी की शक्ल नहीं देख सकते। देखिए अभी आपके प्रोग्राम में वो आचार्य साहब आए थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने नेतृत्व को चैलेंज किया एक तरीके से, और अधिकतर नेताओं की शिकायत नेतृत्व से है, और अगर नेतृत्व पार्टी को ग्रो करने के लिए लोगों से मिलेगा नहीं, मतलब हम तो दूसरी बात कर रहे हैं, हम क्यों चिंता करें कांग्रेस की, कांग्रेस में क्या होगा, विघटन होगा, लोग जाएंगे, हम क्यों चिंता में पड़े, हमें देश की चिंता है। लेकिन चूंकि आपकी डिबेट है तो बोलना पड़ेगा हमको। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और ये जो तस्लीम रहमानी साहब सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, तो ये सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास क्या है, क्या ये सेकुलरिज्म की निशानी नहीं है? अरविंद जी आपकी आप फ्रीज हो रहा है, आपका जो इस वक्त फ्रेम हमें मिल रहा है आपके पास नहीं, भ्रष्टाचार देखिए समझिए, भ्रष्टाचार की तस्वीर लटकी हुई है आपके पास, तो जनता कैसे अप्रिशिएट करेगी? और लोगों को ये महसूस हो रहा है कि मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है, देश तरक्की कर रहा है। अभी अनुराग जी मजाक उड़ा रहे हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था पांचवी अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था से ही पूरे विश्व में उसका सम्मान होगा, उसी से FDI आएगा, उसी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, उसी से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा,
कैसी बातें करते हैं अनुराग, आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, आपको तो चीजों को समझना चाहिए। देखिए कांग्रेस अपना स्वयं जिम्मेवार है जो कांग्रेस के लोग छोड़ के जा रहे हैं, और ये बात से मैं भी सहमत हूँ कि आप सनातन को अगर गाली देंगे, ये बात तस्लीम रहमानी भी मान रहे हैं कि सब धर्मों को सम्मान करना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, तो जब ये हमारी व्यथा है okay. तो लोग छोड़ के क्यों नहीं जाएंगे? सुधांशु जी, जनता भी समझ रही है, नेता भी समझ रहे हैं, और नेता पूरी तरीके से सहमत है। जी आपने ये कहा कि हमें क्या करना है, कांग्रेस में से कौन आता है कौन जाता है, जो हो रहा है होने दीजिए, लेकिन लेकिन जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं ना कि तेरा क्या होगा साथिया, बड़ा सोच समझ के साथिया लेकर आए हैं, वो सुधांशु जी से ये सवाल पूछ रहे हैं। ये बड़ी छोटी बातें कर रहे हैं, ये बड़ी छोटी बातें कर रहे हैं, राज्यसभा मेंबर है, उनकी पार्टी में आ गए भाई, मेंबर भी, और उनकी प्रतिभा जो है वो उनकी प्रतिभा उनके साथ बात है। हर आदमी की प्रतिभा उनके साथ होती है, सुधांशु जी के आने जाने से किसी की प्रतिभा कम नहीं हुआ करती, छोड़िए इन बातों। ऑलराइट सुधांशु जी, अच्छा ठीक 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 हो गया। शायद भदौरिया जी अपनी बातों में मगन थे तो मेरा पहला वाला वक्त भी नहीं सुन पाए, हमको बताने लगे हम तो ये नहीं पूछ रहे हैं, वो नहीं लड़ रहा है, हम ये पूछ रहे हैं वो नहीं लड़ रहा है। मैंने तो कहा था राहुल गांधी का है नहीं लड़ रहे भाई, ये क्या हुआ भदौरिया? सोनिया गांधी जी लड़के चली गई, क्या हुआ भदौरिया? अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे हैं, क्या हुआ भदौरिया? बता तो दीजिए। और पिछली बार बहुत ही लड़के हार चुकी है, अभी, अभी क्या हुआ भदौरिया जी? और मैं पूछना चाहता हूँ भाई, अगर अब देखिए आप बोल रहे हैं तो मैंने बीच में नहीं बोला ना, अब शांति से इंतजार करिए, जब आप ऐसे लाइटर मोड पे कहा लाइटर मोड पे सुनिए। अब सुनिए रूबिका जी, अखिलेश यादव के बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सबसे ज्यादा पहचाना चेहरा कोई समाजवादी पार्टी का है तो हमारे हमारे भाई भदौरिया। मगर बताइए न, इनको जब राज्यसभा देने की बात आती है तो फिल्म स्टार और अफसर मिलेगा, जब इनको विधान परिषद देने के आएगी तो दूसरा मिलेगा, उनको विधानसभा कौन सी दी जो जिंदगी में कभी सपा ने नहीं जीती है? लोकसभा विधानसभा सब देखते हुए लखनऊ पूरम में मिनिमम 20,000 से हारते हैं वो साथ, ये बताइए बलि देने के लिए मिलेगा भदौरिया? आके जोर जोर से बोलने के लिए मिलेगा भदौरिया? और दिया कुछ नहीं जाएगा भदौरिया को, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं ये क्या हुआ भदौरिया? आप तो पूछ रहे क्या होगा साथिया, मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ भदौरिया? और करिए चलिए कोई बात नहीं, अब सीरियस नोट पे आते हैं। सुधांशु जी, इन्होंने जो सीरियस बात, मेरे पास वक्त की कमी, माफी चाहती हूँ, मैं इस डिबेट को आगे ले जाऊंगी, वादा कीजिए आप कल भी हमारे साथ बैठेंगे, मैं भदौरिया जी को भी बुलाऊंगी ताकि जवाब दे सके, तहसीन भाई को भी, और यही पूरा पैनल रहेगा, अगर आप लोग वादा करें तो मैं कल इस मसले को आगे बढ़ाऊंगी। हमने आज ट्विटर पर जो पोल किया है उसका रिजल्ट आपके सामने रख देना चाहती हूँ। एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े चेहरे क्यों पार्टी छोड़ा है, 54% कह रहे हैं कि लीडरशिप की कमी है, 42% कह रहे हैं लालच है, लालच की वजह से ये लोग जा रहे हैं, क्योंकि सीटें इनको चुनाव जो है उसमें लड़वाने के लिए पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है, पता नहीं कहने वाले 4%। आप सब देखते रहिए।